जय आडियो के खिलाड़ी साहब दर्शकों विक्रम की राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हूँ, एक बहुत ही दर्दनाक घटना मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। घटना क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि भाई करनाल असोंडो रोड पर है, एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो डायल 112 ERVHR 99 0427 जो गाड़ी का नंबर है, और आप किसी के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई जो गाड़ी की क्या हालात है। और मैं आपको बता दूँ कि घटना कैसे हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भाई असंध की तरफ से अभी जो ट्रक आ रहा था, जो ट्रक दोस्तों पंजाब का बताया जा रहा है, जैसे ही भाई दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि भाई खेड़ा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो पक्का खेड़ा मोड़ पर है, भाई जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, और रात के लगभग 2 से 3 बजे की घटना बताई जा रही है। डायल 112 ERVHR 99 427 गाड़ी का नंबर है, जो कि आप ये गाड़ी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस गाड़ी को तेज रफ्तार से डायल 112 को घसीटते हुए काफ़ी दूर तक भाई ये ट्रक चल जाता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। डायल 112 में भी दो मुलाजिम बैठे हुए थे, जिससे एक का नाम ऐसा ही मुकेश कुमार और दूसरा सुरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि अपनी गाड़ी में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को ट्रक अभी जो इस गाड़ी को है लगभग 100 मीटर की दूरी तक कोई गाड़ी घसीटते हुए ले जाते हैं, और निश्चिंग थाने की वही ये गाड़ी बताई जा रही है। दोस्तों मैं बता दूँ कि भी एक मुलाजिम की तो हवी हड्डी ही रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब मैं आपको बता दूँ कि भाई जो भी ये ट्रक है पंजाब के संगरूर का भाई ये ट्रक बताया जा रहा है, जिसमें कि ड्राइव फरार हो चुका है और उसके साथ भाई दो युवक और बताए जा रहे हैं। और बताया भी जा रहा है कि भाई दोनों पुलिस मुलाजिम को भाई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसमें से है भाई एक मुलाजिम की है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो हेड कॉन्स्टेबल सुरेंद्र की दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो मैं आपको है भाई एक बार से बता दूँ कि जो भाई घटना हुई है असंध करनाल रोड पर भी ये घटना हुई है। तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना दोस्तों आज देखने को मिली, और जैसे कि आप सूर्य के माध्यम से देख भी सकते हैं, जो भी ट्रक में भाई धान भी बताई जा रही है कि भाई जो धान है ट्रक में, और ओवरलोडिंग भी ये गाड़ी बताई जा रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें लगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।